पटना में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश हत्याकांड को लेकर बिहार पुलिस एक्शन में आ गई है। इस मामले पर डीएसपी सचिवालय ने कहा है कि घटना से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, उस पर पुलिस कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। वहीं जांच के क्रम में पुलिस की टीम पटना एयरपोर्ट पहुंची, जहां पर इंडिगो के कर्मचारी और अधिकारियों से पूछताछ होगी। ये टीम सचिवालय डीएसपी के नेतृत्व में पूरे मामले पर छानबीन कर रही है। सुनिए पटना पुलिस का क्या कुछ कहना है। हम लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी हम लोगों को मिला भी नहीं है, अवेटेड है। और साथ ही हत्या के जितने पहलुओं हैं उन सारे पहलुओं पे हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं, शीघ्र इसमें जो है इसको कार्रवाई। क्या सीसीटीवी कैमरा में इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो शेयर नहीं कर पाएंगे अभी, लेकिन हम लोग बेस्ट क्लू मिला है, हम लोग उस पर सीसीटीवी कैमरा का फुटेज मिला है आप लोगों को? निश्चित रूप से कुछ है हम लोग के पास क्लू, आगे हम लोग काम। क्या पटना एयरपोर्ट पर जाँच के लिए अभी पहुँचे हैं आप? छानबीन कई जगह हो रही है, हमारी टीम कई जगह काम कर रही है। वहीं रुपेश हत्याकांड पर बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि रुपेश बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे बिहार पुलिस पर पूरा भरोसा है कि पुलिस जल्द ही अपराधियों को पकड़ लेगी। सुनिए गुप्तेश्वर पांडे का क्या कुछ कहना है। बहुत अच्छे इंसान थे, सभी लोगों से उनके बहुत ही मधुर संबंध थे, अटूट सेवा भाव था, सबकी मदद करते थे, सबकी सेवा करते थे। हत्या होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है पुलिस हत्यारों को खोज लेगी। हम लोगों को ऐसी परिस्थिति में धैर्य का परिचय देना चाहिए और पुलिस को, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। निश्चित रूप से उनके हत्यारों को पटना पुलिस खोज लेगी और वो दंडित होंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं।